शहर में लगातार बढ़ती चोरियों की वारदात के कारण शहरवासियों में भय व्याप्त है, जिसके चलते आमजन में पुलिस की कार्यप्रणाली से भी भरोसा उठता जा रहा है। वहीं हाल ही में विगत दिनों शहर के नरसिंहपुरा में दो सोने मकान में चोरी हुई चोरी की वारदात का खुलासा भी नहीं हो पाया कि बुधवार को शहर के अजमेर रोड दगदी नगर स्थित जैन मंदिर के समीप दिन दहाड़े चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए 1,00,000 रुपए कीमत के जेवरात सहित 22,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को महज आधे घंटे में ही अंजाम दे डाला। घटना की जानकारी मकान में साफ सफाई करने पहुंची नौकरानी को लगी, जिसके बाद उसने मकान मालिक को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद मकान मालिक मौके पर पहुंचा तथा घटना की सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अजमेर रोड दगदी नगर जैन मंदिर के पास संजय जैन का मकान है। पीड़ित श्री सीमेंट कर्मचारी संजय जैन ने बताया कि बुधवार सुबह वह ड्यूटी पर गया था। इस दौरान उनकी पत्नी नीलू जैन अध्यापन कार्य हेतु स्कूल गई थी। इस दौरान उनकी माताजी भी मकान के बाहर से ताला लगाकर पासी में स्थित जैन मंदिर चली गई, जिसके कारण पीछे सूना मकान था। इसी का फायदा उठाते हुए चोर मकान के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर घुसे तथा महज आधे घंटे के भीतर मकान के 3 कमरों में रखी अलमारियों के ताले तोड़कर उसमें रखे करीब 1,00,000 रुपए कीमत के जेवरात, जिसमें 3 सोने की चूड़ी, 1 सोने की अंगूठी, 22,000 रुपए की नकदी, 1 कीमती घड़ी तथा बैंक का ATM कार्ड चुरा कर मौके से फरार हो गए। मैं श्री सीमेंट में काम करता हूँ। मेरी वाइफ भीम जाती है सर्विस करने के लिए, तो हम लोग 1:15 बजे के आसपास निकलते, दोनों गए थे ड्यूटी के लिए। मम्मी तो आधा घंटे के लिए दर्शन करने गई थी मंदिर, उसके बीच में चोर आए और 3 सोने की कड़े और 1 अंगूठी और 8-10 चांदी के सिक्के और 1 घड़ी चुरा के ले गए। और कैश 22,000 रुपये कैश ले गए।